गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे 3x3 क्यूब सॉल्व करना। तो हमें इसे सॉल्व करने के कोई भी एक कलर चूज कर लेना है। अगर आप वाइट करेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमें पहले उस कलर जो सा हमने चूज किया उसका प्लस बना लेना। तो मैं अभी बना लेता हूँ प्लस। तो ये हमारा प्लस बन गया है। ऐसे आप अगर यहाँ पे भी कुछ लग जाए तो कोई बात नहीं। तो अब हम ये है ना, ये इन्हें ऐसे इससे मैच करेंगे। ये जैसे एक मैच है, इन्हें सारे को करना है। तो ये दो हैं, तो हमें एक को अपने सामने की साइड रखना और एक को अपने इस साइड, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक बार ऊपर, दो बार पीछे, फिर एक बार जो से आपने ऊपर की थी उसे नीचे, फिर जो से साइड की थी उसे एक बार फिर साइड कर दो, और फिर उससे ऊपर, और फिर साइड, और फिर नीचे, फिर साइड। तो ये हमारी ऐसे सारे एजेस मैच हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करनी है, फर्स्ट लेयर हमें सॉल्व करनी है। तो हमें फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करनी है, हमने जिस कलर का प्लस बनाया है उस कलर को देख लेना है। तो मैंने देखा है ये रहा वाइट और ये रहा प्लस, तो इसके साथ है ऑरेंज ग्रीन। ऑरेंज ग्रीन इधर है, तो हम इस पीस को यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं इसे लगा देता हूँ। तो ये हमारा ऐसे, तो हमने इसे लगा दिया है, तो ये हमारा मैच होगा। तो ऐसे हमें सारे मैच करने हैं। तो मैं कर लेता हूँ अभी जल्दी से सारे मैच। तो ये हमारे मैच हो गए। तो जैसे आप मैच करेंगे आप देखेंगे हमारी एक लेयर सॉल्व हो गई है। तो अब हमारी बारी आती है सेकंड रेल की, वो लाइन की है। तो हम अभी से ये इनसे मैच करेंगे। तो ये हमें देख, तो ये हमें लगाना है यहाँ। तो ये यहाँ पे कैसे लगे, पहले हमें जैसे ऊपर ब्लू है तो हमें इसे ब्लू का टेप बन जाएगा, तो ये हम रख लेंगे। तो हमें इसे यहाँ लगाना है तो इस साइड, अगर इधर लगाना है तो इस साइड, तो हमें इधर लगाना है तो हम इसे इस साइड करेंगे, और फिर इस वाली लेयर को नीचे, फिर साइड, और फिर ये ऐसे मैच होगा ना। तो आप इसे इधर करके लगा दीजिए तो ये लगेगा। तो आपका ये ऐसे मैच होगा। ऐसे ही हमें पूरी सेकेंड लेयर सॉल्व करनी है। तो ये एक मिनट, तो अभी हम करेंगे ये वाला। तो ये पिंक और ग्रीन है, तो पिंक और ग्रीन यहाँ लगेंगे। मैंने पहले पिंक का वो बनाया, टी बनाया, तो अब हमें इसे यहाँ लगाना है। अगर यहाँ लगाना होता तो इधर, अभी हमें इसे यहाँ लगाना है। तो इधर, फिर से नीचे, फिर साइड, फिर से, और हाँ आपको जिस साइड लगाना है उस साइड को ही वो नीचे करना है। तो हम इसे फिर मैच कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे मैच हो जाएगा। मैं ऐसे अभी सारे मैच कर देता हूँ। तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमें ये इसका वो बनाना है प्लस। तो आप सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं वो वाली दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बना हुआ एल आएगा। एल, अगर एल नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। एल को अगर एल बना रहे तो अपने इधर रखो ऐसे में, एक अपने सामने और एक अपने इस साइड। तो फिर हमें यहाँ से वो वाला करना है जो हमने इन्हें मैच करने में किया था। वो एक दो, नीचे साइड, ऊपर साइड, नीचे, तो फिर ये साइड हो जाएगा, है ना। तो हमें इसे करने के लिए अब वो करना है, ये हमारे यहाँ, इसे यहाँ रखेंगे हम यूँ। तो इसे एक बार साइड, फिर ऊपर, फिर साइड, है ना। तो हमें फिर, हमने ये वाली जो लेयर की थी तो उसे हम नीचे करेंगे, फिर हम इसे मैच करके नीचे लगा देंगे। तो ये हमारी एक लाइन सी बनेगी। आपको अपनी लाइन ऐसे नहीं रखनी है कभी भी, हमेशा ऐसे रखनी है। फिर हमें ये चीज़ फिर से इस साइड से करनी है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इससे प्लस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लस बन गया है। तो अब हमें करनी है एजेस जैसे हमने इसकी की थी। तो हमें फिर दो ढूंढ लेने हैं। ये हमारे दो है, एक सामने रखा, एक इस साइड। फिर वही 1 2 डाउन साइड, ऊपर साइड, नीचे साइड। तो ये हमारी एजेस ऐसे मैच हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सारी एजेस मैच हो गई हैं। तो फिर हमारे ये होंगे ये। तो एक मिनट, ये भी सॉल्व हो रखे हैं। तो ये मैं कर लेता हूँ।
तो ये आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, आपका एक ही होगा, अगर आप यू घुमाएंगे तो ये पूरा एक पीस सॉल्व हो जाएगा। तो हमें वही लेना है, अगर हमें इसे यहाँ लगाना है तो ऐसे पकड़ेंगे, इसे यहाँ लगाना है तो ऐसे पकड़ेंगे, हमें इसे यहाँ लगाना तो ऐसे पकड़ेंगे। तो इसे अब ऊपर ऐसे किया जैसे इधर है, तो इसे ऊपर, फिर साइड, फिर दूसरी लेयर ऊपर, फिर साइड, फिर पहले वाली लेयर को नीचे, फिर इसे मैच करके हम नीचे करते हैं, तो ये हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर आपका जो ऊपर आपने प्लस बनाया था उसी कलर को आप देखेंगे। तो ये हमारा येलो है, तो येलो दो यहाँ पे है, आपको ऐसे दो येलो हो उसे अपने इधर को रख लेना, और फिर यहाँ से जो एजिस में टिक थी, एक बार ऊपर, दो बार साइड, नीचे साइड, ऊपर साइड, नीचे। फिर आपको इसे साइड नहीं करना है यू, अब हमें इसे इस साइड से करना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। तो फिर हम इसे यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे ये दो रह रहे तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हमें इसे यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम एक बार में ये नहीं हुआ तो हम इसे फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसे अब इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फिर हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर एक घंटे का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना। ओके, बाय।